मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कक्षा पांचवी और आठवीं का रिजल्ट आज दोपहर 3 बजे जारी होगा। परीक्षार्थी राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल rksmp.in पर जाकर इसे ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। कुछ घंटों बाद बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा। शिक्षक अपनी कक्षा का विद्यार्थीवार और प्रभारी शिक्षक और हेडमास्टर अपने स्कूलों का विद्यार्थी और कक्षावार परिणाम भी राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल www.rskmp.in पर लॉगिन कर देख सकेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी राज्य शिक्षा केंद्र के सभा कक्ष क्रमांक 2 में पोर्टल पर क्लिक कर परिणाम घोषित करेंगी। कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट राज्य शिक्षा केंद्र के YouTube चैनल पर दोपहर 2:55 से किया जाएगा। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स YouTube पर फ्री ये टेलीकास्ट देख सकेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल rskmp.in पर जाएं। होम पेज पर आठवीं या पांचवी के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। रिजल्ट लिंक खुल जाने के बाद जरूरी डिटेल्स भरें। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें। बता दें कि कक्षा पांचवी के परीक्षा में लगभग 8,26,000 और कक्षा आठवीं के परीक्षा में लगभग 7,56,000 स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे, यानी करीब 16,00,000 परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के कारण पिछले साल पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की गई थी। 100% छात्र पास हुए थे। दोनों कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा था। वहीं एमपी बोर्ड रिजल्ट के बाद असफल बच्चों को रुक जाना नहीं योजना के जरिए पास होने का एक और मौका दिया जाएगा। बच्चे दोबारा फॉर्म भरकर परीक्षा दे सकेंगे और अपना साल बर्बाद होने से बचा सकेंगे। बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इस साल एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 59.54% रहा है।